एक यूपी से बड़ी खबर मिल रही है, संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ। मुजफ्फरनगर का मामला जहां पर काफिले पर हमला हुआ है, मुजफ्फरनगर के काफिले, आपको बता दें कि खतौली एक जगह है जहां पर काफिले पर हमला हुआ, अनजान लोगों पर हमले का आरोप लग रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्यों ये हमला किया, किसने हमला किया है। चुनाव प्रचार के दौरान कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ पूरा मामला, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, और उसी द्वेष के चलते जो कि विरोधी हो सकते हैं, सब हफ्ता माना जा रहा है कि उनकी तरफ से ये हमला उन पर करवाया गया होगा। कुछ तस्वीरें इसको काफी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, हमले के दौरान की तस्वीरें हैं। उसके बाद सभी लोग हैरान थे, परेशान थे, पुलिस को तुरंत सूचित किया गया, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मय फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गाँव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया, उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।